हेलो फ्रेंड्स, करंट स्टडी विथ होम एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग एडीओ की क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज ग्रामीण विकास फ्लेक्सी प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम पहले एक वीडियो ला चुके हैं। उस वीडियो में हमने देखा था कि जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो योजनाएँ हैं, जिसके हितग्राही, जिसके उद्देश्य और पात्रता की बात हमने कर ली थी, उसी के सेगमेंट पर आज हम बात करने जा रहे हैं महिला बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से, जिसमें महिलाएं बाल विकास विभाग से संबंधित जितनी योजनाएं आई हुई हैं उन सारी योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे हम उनके उद्देश्य, पात्रता और हितग्राहियों के बारे में। ठीक है, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप कैरियर स्टडी के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैरियर स्टडी, जिसमें आप ADO 22 बैच कोड के द्वारा इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन की क्लास की बात करें तो आप अमर कॉम्प्लेक्स ओम एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ADO, व्यापम और PSC की क्लासेस यहाँ कंटिन्यू चल रही हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं के बारे में। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ADO के बारे में अगर हम संदर्भित कुछ जानकारी लें तो ADO के अंतर्गत सबसे मुख्य क्षेत्र जो है, ठीक है, जो हम कहते हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है, इनका संबंध पूरी तरीके से योजनाओं से है। यानी कि आपके कार्यभार के रूप में अगर हम देखें तो इनका कार्यभार है विशेष योजनाओं के अंतर्गत रहकर उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना या उन योजनाओं को संचालित करना। ठीक है, जैसे कि आजीविका मिशन, जैसे NRLM, इस प्रकार की जो योजनाएं हैं जो राज्य से संबंधित हैं या केंद्र संबंधित हैं, जो राज्य में क्रियान्वित हैं, उनके अंतर्गत ADO का पोस्ट जनरेट होता है, उनके अंतर्गत ये ADO जो है कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की योजनाओं में से किसी एक योजना के अंतर्गत यहाँ पर पदभार संभाला जाता है और इन्हें उनका कार्य जो है संचालित किया जाता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारे राज्य के अंतर्गत महिला बाल विकास जो विभाग है उसके अंदर कौन कौन सी योजनाएँ हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे उनके बारे में। तो सबसे पहले जो महिला बाल विकास विभाग योजना है, इसमें हम बात कर रहे हैं नवा बिहान योजना। ठीक है, योजना का नाम है नवा बिहान योजना। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा नवा बिहान योजना संचालित है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की पदस्थापना की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नवा बिहान योजना जो है ये घरेलू हिंसा से संबंधित महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, सुविधा और सहायता की बात करें तो योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर पॉइंट भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि सुविधा और सहायता के अंतर्गत क्या क्या चीज़ शामिल की गई हैं। तो पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने की प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि संपर्क करने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, संरक्षण अधिकारी और सखी केंद्र प्रशासक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नवा बिहान योजना के लिए तीन लाइनें हैं और इम्पोर्टेंस है, आप याद रखिएगा। नवा बिहान योजना किससे संबंधित है? मुख्यतः घरेलू हिंसा से जुड़े हुए जो महिलाएँ हैं, जो पीड़ित महिलाएँ हैं, उनके लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, महिला जागृति शिविर। ठीक है, महिला जागृति शिविर की बात करें तो उद्देश्य है महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न सामाजिक कुप्रथा के विरुद्ध महिलाओं को जागृत व संगठित करना तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो इस तरीके से तीन क्रमानुक्रम आप उद्देश्य याद रख लीजिएगा। पहला है महिलाओं को उनकी कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को जागृत करना और संगठित करना, और विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, इसके अंतर्गत देखिएगा, विभाग द्वारा इस हेतु प्रदेश में ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तरों पर समय समय पर महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, संपर्क वही सेम चीजें आपको यहां पर संपर्क में मुख्यतः आपको इसी क्षेत्र में दिखेगा, क्योंकि आप महिला बाल विकास विभाग के बारे में अगर देख रहे हैं तो हमेशा संपर्क में आपको जो भी केंद्र होगा, ठीक है, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्वावलंबन योजना। ठीक है, हम बात करते हैं जब स्वावलंबन योजना की, तो यहां पर देखिएगा, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत मुख्यतः पात्रता देखेंगे ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं तथा
कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं के को कौशल परीक्षण प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव तथा तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर हितग्राही भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता ग्राही होंगे या पात्रता रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि स्वावलंबन योजना के अंतर्गत इन सारे चीज़ें, इन सारे तत्वों को देखकर हम ये समझ पा रहे हैं कि ये पात्रता ग्राही हैं, इन सभी लोगों को यहाँ पर पात्र होंगे ये सभी लोग, ठीक है। प्रशिक्षण की बात करेंगे तो समस्त प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत VTP के माध्यम से दिए जाएंगे, ठीक है। संपर्क फिर से वही, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत नेक्स्ट योजना है सक्षम योजना, ठीक है। सक्षम योजना, तो आपने देखा स्वावलंबन योजना देख लिया आपने, नव अभियान योजना देख लिया आपने, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा सक्षम योजना देखना है आपको, तो यहाँ पर देखिएगा योजना छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 2009-2010 से आरंभ किया गया है, ठीक है। सॉरी, पात्रता की बात करें तो प्रदेश में गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले ऐसी महिलाएं जिनकी पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर हितग्राही भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता रखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आपने दो पात्रता सेम टाइप में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा सक्षम योजना जो है मुख्यतः योजना छत्तीसगढ़ के महिला कोष द्वारा 2009-10 से आरंभ किया गया है, ठीक है। ऋण की बात करें, स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1,00,000 रुपए तक का ऋण प्रदाय किया जाता है। उक्त ऋण की वापसी में 5 वर्षों में केवल 6.5% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से किस्तों पर की जाती है, ठीक है। तो सक्षम योजना जो है मुख्यतः महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए एक व्यावसायिक तौर तैयार किया गया है, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा इन महिलाओं को जो कि अपने स्तर पर कहीं ना कहीं उत्पीड़न और पीड़ित हैं, ठीक है, तो उनको सक्षम बनाने के लिए योजना चालू किया गया है, जिसमें आसान शर्तों पर 1,00,000 रुपए देने तक का यानी कि ऋण जो है दिया जाएगा और 5 साल, देखिएगा 5 साल वापसी के समय 5 साल में केवल, ठीक है, 5 वर्षों में 6.5% के साधारण ब्याज पर, ठीक है, साधारण वार्षिक ब्याज पर ये किस्तों में ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो ये पूरा क्रमानुक्रम जो है ये पूरा का सक्षम योजना से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं ऋण योजना। छत्तीसगढ़ राज्य महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा उद्देश्य पात्रता एवं ऋण देखिएगा योजना अंतर्गत 3 प्रतिवर्ष, ठीक है, 3 प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रथम बार में 50,000 रुपये तक वसूली 24 किस्तों में तथा द्वितीय बार में 2,00,000 रुपये तक ऋण वसूली 36 किस्तों में प्रदाय किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर जो ऋण योजना है वो 3 वर्ष में प्रतिवार्षिक दर की वार से देखा जाएगा, ठीक है, 3 वर्ष के लिए दिया जाता है और उसमें पहला जो वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रथम बार में 50,000 रुपये तक और दूसरे बार में 2,00,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है, ठीक है, जिसमें पहली बार में 24 किस्त और दूसरी बार में 36 किस्तों में ये ऋण वापस लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे ऋण योजना के बाद, ये ऋण योजना की पात्रता देखिएगा, यौन उत्पीड़न, HIV पीड़ित महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदाय चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ऋण प्रदाय किया जा सकेगा। इन महिलाओं को जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर जिला कलेक्टर स्वीकृति उपरांत 10,000 रुपये का व्यक्तिगत ऋण 3% साधारण ब्याज की दर से उपलब्ध कराने का प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हम लोग ऋण योजना के अंतर्गत ये सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। चलिए नेक्स्ट पर देखिएगा, इन महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन किए जाने पर समूह को 1,00,000 रुपये, ठीक है, कि ऋण राशि 3% साधारण ब्याज की दर से स्वीकृत की जाएगी। यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत अन्य शर्तें यथावत रहेंगी, तृतीय लिंग हितग्राही भी इन योजना के लिए पात्रता रखेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा ऋण योजना कैसे संबंधित है और कितना रुपये यहाँ पर ऋण के तौर पर दिया जाता है ताकि जो महिला वर्ग हैं वो सक्षम हो सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं संस्कार अभियान।
ठीक है, संस्कार अभियान योजना, उद्देश्य है गर्भधारण से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना, वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना, ठीक है, इसे कहा गया है संस्कार अभियान योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिएगा, आंगनवाड़ी केंद्रों का आकर्षक रंग रोगन, बच्चों के बैठने की जगह, विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थान का चिन्हांकन, बच्चों की सुविधा के अनुरूप विभिन्न शैक्षणिक सामग्री का प्रदर्शन, आकर्षक वातावरण का निर्माण, प्रत्येक वस्तु हेतु निर्धारित स्थान एवं सुव्यवस्थित कक्ष जैसी बातों को ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा योजनागत क्या क्या चीज शामिल की गई है और संस्कार अभियान किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संस्कार अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पाठ्य आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व शिक्षा प्रदाय के लिए 52 सप्ताह के समय सारणी, लगभग 360 गतिविधि युक्त गतिविधि कोष, थीम पुस्तिका, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आयु अनुसार पृथक पृथक गतिविधि पुस्तिकाएं व बाल आकलन पत्रक शामिल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें याद भी कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स हम अलग से छाट कर इसे अलग कर लें। ठीक है, तो देखिएगा संस्कार अभियान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, संस्कार अभियान के तहत देखिएगा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदाय हेतु विभागीय अमले का क्षमता संवर्धन किया गया है। राज्य स्तर पर 1600 से अधिक प्रतिभागियों तथा जिला स्तर पर लगभग 49,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सघन जीवन प्रशिक्षण दिया गया है। ठीक है, संस्कार अभियान के तहत 3 से 6 वर्षों के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय सारणी के अनुसार शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो ये सारे जो संस्कार अभियान के अंदर शामिल है, ये सभी के सभी आपके योजना के अंतर्गत एक प्रभावी तथ्य है जो कि कूट के तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इस वर्ष के अंत में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें विभागीय अमले को विशिष्ट विकास क्षेत्र आधारित 4-4 दिवसीय प्रशिक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये आपका संस्कार अभियान है। ठीक है, प्रथम चरण में लगभग 49,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, शुभारंभ किया गया है 2009 से प्रारंभ किया गया है इसका। ठीक है, और इसके उद्देश्य है गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी लाना। ठीक है, नेक्स्ट है, योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय प्रशिक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो यहां तक आप इसको याद रखिएगा, इसके प्रावधान को देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत प्रावधान जो है देखिएगा, प्रावधान है प्रत्येक विकासखंड में माह 2 दिवस, ठीक है, माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करने का प्रयास, बच्चों के संक्रमण की पहचान करना। ठीक है, निजी चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान में अधिकतम 300 रुपये तक सीमा के स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करना। ठीक है, एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक की दवाएं, आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श इससे अधिक राशि की दवाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी। ठीक है, निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप 1,000 रुपये का मानदेय एवं 500 रुपये तक की यात्रा व्यय का प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये क्रम रूप से आप इसको याद रखिएगा, प्रावधान है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त 2016-17 की से आवश्यकता पड़ने पर कुपोषित बच्चों को परिवहन के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशि उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, पोषण अभियान देखिएगा, उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए। ठीक है, शुभारंभ किया गया 8 मार्च 2018 से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू राजस्थान में यह प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लागू देश के सभी राज्यों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। प्रत्येक चरण में राज्य के 12 जिलों को लिया गया है तथा द्वितीय चरण वर्ष में 18-19 में से 15 जिलों को लिया गया। इस प्रकार राज्य के 27 जिलों में पोषण अभियान क्रियान्वित किया गया। पोषण अभियान के लक्ष्य एवं घटक का वर्णन है हमारे पास है। ठीक है, यानी इसके आगे करते हैं हम लोग, इसके आगे तो यहाँ पर याद रखिएगा, मुख्यतः
कि जो पहले पहले चरण में 12 जिलों को और दूसरे चरण में 15 जिलों को शामिल किया गया, जिससे पूरे के पूरे 27 जिले हमारे शामिल हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। पोषण अभियान के तहत अभियान के लक्ष्य, पोषण अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया है, जिसके द्वारा 0 से 6, ठीक है, 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं में विद्यमान कुपोषण स्तर को चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 2% की कमी लाते हुए 3 वर्षों में 6% की कमी लाना लक्षित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो पोषण अभियान है उसके अंतर्गत ये चीजें शामिल की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। अब देखिएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की बात करें तो उद्देश्य रखा गया है कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे में कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करना। ठीक है, तो क्रमबद्ध रूप से आप इसको याद करते चलेंगे, थोड़े से आपको योजनाओं का नाम भी याद करना है और उससे जुड़े हुए फैक्ट को भी याद करते हुए चलना है। ठीक है, तो उद्देश्य यहाँ पर देखा हमने। योजनागत देखिएगा, प्रदेश के लगभग 1 से 85 लाख हितग्राहियों को गर्भ भोजन, ठीक है, गर्म भोजन एवं 3 से 53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एनीमिक बच्चे एवं महिलाओं को IFA अथवा सिर कृमिनाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं दी जा रही हैं। ठीक है, तो यहां तक याद रखिएगा इस क्रम में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत क्रियान्वयन देखिएगा। अभियान का क्रियान्वयन जन सहयोग एवं सहभागिता के जिला स्तर पर किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री पोषण निधि का गठन किया गया है। ठीक है, इस अभियान को 3 वर्ष के लिए चलाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के मनसानुसार सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान दिनांक 24 जून 2019 में प्रारंभ किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा, सफलता को देखते हुए प्रदेश के अन्य जिलों में भी गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि इसका मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का जो प्रारंभ है वो 2 अक्टूबर 2019 से किया गया है, जो कि महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती था। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में NFSHHS4 के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम वर्ग के लगभग 37 से 7%, ठीक है, बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये क्रमांक रूप से आप इसको बिल्कुल आप ये देख पा रहे होंगे कि थ्योरेटिकल थोड़ा पॉइंट ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर याद रखिए कि फैक्ट्स इन्हीं में से निकल कर आते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि आपको ये सारी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, तो फैक्चुअल चीज़ें तो हैं ही, और साथ ही साथ यहाँ पर थ्योरी भी आपको थोड़ा सा पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, महतारी जतन योजना। योजनागत क्या है, योजना के अंतर्गत देखिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आकर्षक थाली गर्भवती महिलाओं को पृथक पृथक मेन्यू अनुसार प्रदाय की जा रही है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, रस्सेदार एवं सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद आदि दिया जा रहा है। तो महतारी जतन योजना के अंतर्गत ये योजनागत लाभ है। ठीक है, लाभ देखिएगा, प्रदेश में लगभग 1 से 61 लाख महिलाओं को इस योजना में लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, प्रावधान देखिएगा, वर्ष 2019-20 में इस हेतु 23 से 50 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, महिलाओं को घर से ले जाने हेतु प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से, ठीक है, 450 ग्राम का साप्ताहिक पैकेट रेडी टू ईट दिया जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर महिला जतन योजना जो है ये शामिल है, महतारी जतन योजना, सॉरी। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसका उद्देश्य देखिएगा, उद्देश्य में क्या क्या चीज़ शामिल है, तो देखिए, गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूल खर्चे को रोकना, सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल, आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन एवं विवाहों के में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना, इसका मुख्य उद्देश्य है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। ठीक है, लागू वर्ष देखिएगा, प्रदेश में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली कठिनाई को देखते हुए मुख्यमंत्री कन्या विवाह का योजना लागू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, योजनागत सहायता देखिएगा, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम
दो कन्याओं को योजना अंतर्गत लाभ दिया जाना है। योजना अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह में अधिकतम 25,000 रुपये की राशि व्यय किए जाएंगे, जिसमें से वर वधु हेतु श्रृंगार सामग्री पर 5,000 रुपये और अन्य उपहार सामग्री पर 14,000 रुपये, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000 रुपये राशि, ठीक है, राशि 1,000 रुपीस, तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000 रुपये तक का व्यय किया जा सकता है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विधवा अनाथ निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रमिक रूप से आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, ठीक है, प्रारंभ किया गया 19 नवंबर 2010 से। क्षेत्र है योजना देश के 200 जिलों में पायलट रूप में प्रारंभ किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 जिले रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बस्तर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा शामिल किए गए हैं। ये 10 जिले शामिल किए गए हैं किसके अंतर्गत, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, ठीक है। नेक्स्ट है योजनागत 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए निम्नानुसार गतिविधि शामिल किया गया है, ठीक है। उसमें देखिएगा, पोषण आहार प्रदाय IFA टैबलेट वितरण, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवा, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण, ARSH की बात करते हैं इसमें, बच्चों की देखभाल हेतु गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन, ठीक है, लाइफ स्किल एजुकेशन एवं लोक सेवा तक पहुंच और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं किशोरी बालिकाओं के योजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण। तो देखिएगा, उद्देश्य है असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी मोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने का सहयोग प्रदान करना, ठीक है। महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार 68,071 महिलाएँ स्वयं सहायता समूह के द्वारा गठित किए गए हैं, जिनके तहत लगभग 8.03 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं तथा इन समूहों द्वारा 53.08 करोड़ रुपए की राशि बचत की गई है। प्रदेश में महिला एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्कूल, मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्यों का कार्य किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। इसमें देखिएगा, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में देखिएगा, प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ठीक है, ICDCS अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाने वाली 6 सेवाओं में से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 3 वर्ष के आयु के बच्चे, 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु के बच्चों तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत हितग्राहियों को वर्तमान में प्रदाय किए जा रहे हैं पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है, जिसमें नाश्ता एवं गर्म पका हुआ भोजन, आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु के समान एवं गंभीर कुपोषित बच्चे, ठीक है, को गर्म पके हुए भोजन 105 ग्राम के साथ साथ नाश्ता भी दिया जा रहा है। रेडी टू ईट फूड 6 माह से 3 वर्ष के आयु के सामान्य बच्चों को 135 ग्राम, 6 माह से 3 वर्ष के आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को 211 ग्राम तथा गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को 165 ग्राम रेडी टू ईट का फूड प्रदाय प्रतिदिन के मान से टेक होम राशन के अंतर्गत साप्ताहिक रूप में किया जा रहा है, ठीक है। किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को भी पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाना है। सबला योजना राज्य के रायपुर, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, बलौदाबाजार, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में शामिल है, ठीक है, यानी लागू है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे पूरक पोषण आहार योजना। अब देखिएगा, केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत हम देखते हैं, तो सबसे पहले आता है केंद्र पोषित में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। यहाँ पर उद्देश्य है बच्चों के जन्म से लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना और बालिकाओं की उत्तरजीविका व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उद्देश्य शामिल किया गया है। उद्देश्य में नेक्स्ट उद्देश्य है देखिएगा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना,
ठीक है, तो ये तीन उद्देश्य मुख्यतः रखे गए हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका, इस योजनागत में देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला रायगढ़ के बाद वर्तमान में जिला बीजापुर को मल्टी सेंट्रल सेक्टरल हस्तक्षेप जिले के रूप में चयनित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, भारत सरकार द्वारा पूरे देश के 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दिनांक 22 जनवरी 2015 से लागू किया गया है, याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ किया गया है। बाल लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है, जो कि संवेदनशील मुद्दा होने के साथ साथ अत्यधिक चिंता का विषय है। बाल लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष में प्रति 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बाल लिंगानुपात वर्ष 2001 में 975 तथा जो कि 2011 में 964 हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, उज्ज्वला गृह योजना। उद्देश्य है बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यवसायिक यौन शोषण की पीड़ितों से बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ना। ठीक है, तो आप इस तरीके से कार्यक्रम को याद रखिएगा, थोड़ा सा उज्ज्वला गृह योजना के अंतर्गत है। इस योजना के अंतर्गत देखिएगा, भारत सरकार द्वारा राज्य में कोरबा तथा कोरिया में शैक्षिक संगठन को संरक्षण एवं पुनर्वास गृह संचालन की स्वीकृति प्रदान किया गया है। कौन कौन से जिले को? कोरबा और कोरिया को। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, उज्ज्वला गृह योजना के अंतर्गत क्रमांक तथा जिला का नाम उज्ज्वला गृह संचालककर्ता संस्था का नाम संचालित उज्ज्वला गृह के जिलेवार सूची निम्न है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, कोरबा में है सोशल रिवाइवल ग्रुप ऑफ अर्बन रूरल एंड ट्राइबल एरिगेशन कॉलोनी चौक दर्री पोस्ट जमनीपाली कोरबा, और कोरिया में छत्तीसगढ़ प्रचार एवं विकास संस्थान सिविल कोर्ट के पीछे कोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, स्वाधार गृह योजना। ठीक है, स्वाधार गृह योजना के देखिएगा, तो संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता को आश्रय तथा सहारा प्रदान करने एवं निःशुल्क परिपालन पुनर्वास के लिए प्रदेश में 2 स्वाधार गृह का संचालन बिलासपुर एवं सरगुजा में किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र एवं राज्य का अंशदान 60 और 40 है। ठीक है, याद रखिएगा, संकटग्रस्त महिलाओं के अंतर्गत ये चीज़ें चालू की गई है, जिसे कहा गया स्वाधार गृह योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिएगा, संस्था में महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विविध सहायता और पुनर्वास व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, स्वाधार योजना के अंतर्गत योजना गाइडलाइन दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं। संचालित स्वाधार गृह योजना जिलावार सूची जो नाम रखा गया है, ठीक है, बिलासपुर सरगुजा, ये 2 जिले आपके रखे गए हैं जहाँ पर स्वाधार गृह योजना के अंतर्गत जो है स्वचालित स्वाधार गृह योजना जिलावार रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सखी वन स्टॉप सेंटर। इसका उद्देश्य देखिएगा, पीड़ित एवं संकटग्रस्त जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनके आवश्यकतानुसार चिकित्सीय, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा परामर्श सुविधा, सहायता तत्काल उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, वन स्टॉप सेंटर किन के लिए है, तो संकटग्रस्त पीड़ित व सभी महिलाएँ जो 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं भी सम्मिलित हैं इसमें, जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे सखी या वन स्टॉप सेंटर कहा गया है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 1 सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, सुविधा और सहायता देखें तो अल्पकालीन सहायता एवं आपातकालीन सहायता एवं बचाव, चिकित्सीय सहायता, महिला को FIR DIR NCR दर्ज कराने के लिए सहायता उपलब्ध कराना, मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श सलाह एवं सहायता, और विधिक सहायता, विधिक सलाह, विधिक परामर्श। ठीक है, इसके अलावा आपातकालीन आश्रय सुविधा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सुविधा और सहायता प्रदान की गई है सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत। महिला पुलिस एवं स्वयं सेविका योजना। ठीक है, तो इस लगातार देखिए, अभी जितनी भी योजनाएं आप पढ़ रहे हैं सभी की सभी महिलाएं एवं बाल विकास विभाग से संबंधित है, और इन योजनाओं को आप एक कैटेगराइज रूप से रख सकते हैं, जिसमें आप इनके उद्देश्य को याद रखें, मुख्यतः उद्देश्य, लाभ और पात्रता और शर्तें, यहाँ पर 3-4 जो घटक हैं उनको आप अलग से याद रखेंगे, और यही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए देखिएगा, महिलाओं के साथ लिंग भेद असमानता के फलस्वरूप महिलाओं के विरुद्ध हिंसा
अनेक रूपों में समाज में विद्यमान है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की विभिन्न घटनाओं यथा घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अवैध मानव व्यापार, बाल विवाह, लिंग चयन, भ्रूण हत्या आदि की त्वरित सूचनाएं प्राप्ति, उस पर शीघ्र कार्रवाई होने पर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की सहायता मिल सकती है महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, जिले जो हैं प्रत्येक प्रदेश के दुर्ग एवं कोरिया जिले में स्थित है और इसके बाद लागू वर्ष यहाँ पर याद रखिएगा 2017-18 से ये लागू हुआ है। ठीक है, इस योजना का देखिएगा, महिला पुलिस स्वयं सेवक समाज और पुलिस के बीच जेंडर आधारित मुद्दों पर एक सेतु के रूप में कार्यरत है और नागरिक एवं पुलिस के बीच सुविधाओं लिंक की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, महिला पुलिस स्वयं सेविका पुलिस स्टेशन में पदस्थ पुलिस निरीक्षक को सीधे रिपोर्ट कर रही है और स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुझाव और फीडबैक प्रदान करना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर महिला पुलिस एवं स्वयं सेविका योजना जो है क्रियान्वित है राज्य के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, उद्देश्य है गर्भवती एवं धात्री माताओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी के पूरक प्रतिपूर्ति हेतु योजना संचालित की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिएगा, योजनागत ऐसी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं पात्र होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, इसका लागू वर्ष याद रखिएगा 1 जनवरी 2017 को यह लागू किया गया। लाभ है प्रथम जीवित संतान हेतु योजना का लाभ देय है। ठीक है, गर्भवती धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये राशि का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तो आप यहाँ पर यह पॉइंट याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितने राशि का प्रावधान है, तो याद रखिएगा कि प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये के भुगतान का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना। ठीक है, उद्देश्य देखिएगा, व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराना। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा 1972-1973 से शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भवन निर्माण हेतु अनुदान सहायता योजना का क्रियान्वयन किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 4 जिलों में कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है। आप याद रखिएगा, 4 जिलों में ये हो रहा है, हमारे यहाँ योजना क्रियान्वित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के अंतर्गत देखिएगा, योजनागत में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को दिवस देखभाल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, महिला मंडलों तथा राज्य संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संचालित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके आगे, योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की सामाजिक आय 1800 रुपये से कम है, कृषि श्रमिकों के बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के बच्चे, रोजगारोन्मुखी योजनाओं जैसे स्टेप, नोराड में कार्यरत महिलाओं के बच्चे तथा सांप्रदायिक दंगों के शिकार परिवारों के बच्चे सहायता लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिशु गृह योजना के अंतर्गत ये प्रावधान है। ठीक है, योजना के अंतर्गत सामान्य शिशु गृह केंद्रों तथा आंगनबाड़ी सह शिशु गृह केंद्रों के लिए सहायता प्रदान की जाती है, यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिएगा, स्वैच्छिक संगठनों की सामान्य अनुदान। ठीक है, योजनागत महिलाओं एवं बाल विकास के क्षेत्र में ऐसे कार्यकलाप को शुरू करने के लिए विभाग के अन्य किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं है, जैसे कि विभिन्न अभिकरणों यथा स्वैच्छिक संगठन, संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाएं, जिनमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकरणों, सहकारी संस्थाएं के द्वारा स्थापित एवं वित्त पोषित संस्थाएं एवं संगठन शामिल हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है स्वैच्छिक संगठनों की सामान्य अनुदान के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा आवर्ती एवं अनावर्ती मद में अनुमोदित लागत 90% तक के वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा शेष 10% संबंधित अभिकरणों को वहन करना होता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि ऐसे जो फैक्ट बनकर आते हैं वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उन्हीं फैक्टों से आपको क्वेश्चंस को देखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों का सामान्य अनुदान। अगर हम योजना को देखते हैं तो स्वैच्छिक
जो संगठनों के संगठनात्मक सहायता है उसमें है महिलाओं तथा बच्चों के लिए कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को केंद्रीय कार्यक्रमों की अनुसरण अनुरक्षण लागत की कमी को पूरा करना। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि क्या क्या उद्देश्य रखे गए हैं इसके अंतर्गत, और योजनागत संबंधित संगठनों को अनुदान सहायता दी जाती है और उनकी गतिविधियों को निपुणतापूर्वक एवं निर्बाध रूप से चलाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सहायता राशि प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, केंद्र पोषित में हरिक नानी बेरा अभियान। ठीक है, प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को और इसके अंतर्गत ये स्थान है बस्तर। उद्देश्य महिलाएं एवं बच्चों को कुपोषण एवं अनिमिया से पीड़ित हैं उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जननी सुरक्षा योजना। और जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत देखेंगे आप कि इसका शुभारंभ किया गया था वर्ष 2005 में। वर्ष 2005 जननी सुरक्षा योजना याद रखिएगा, उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने और मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से आपकी जननी सुरक्षा योजना क्रियान्वित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केंद्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत समेकित बाल विकास। देखिएगा इसका प्रारंभ किया गया है 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, सेवाएं क्या है इसमें, 6 सेवाएं एक साथ शामिल किया गया इसीलिए इसे समेकित बाल विकास कहा गया है। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा एवं शाला अनौपचारिक शिक्षाएं। ठीक है, उद्देश्य देखिएगा बच्चों के उचित मानसिक मनोवैज्ञानिक शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना। ठीक है, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण तथा स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने वाले की घटनाओं में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ महिला कोष गठन है 2 फरवरी 2002। छत्तीसगढ़ सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केंद्र पोषित नेक्स्ट योजना है कौशल्या मातृत्व योजना, और ये अंतिम योजना है इस क्षेत्र से। प्रारंभ 8 मार्च 2022 को किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। याद रखिएगा प्रावधान है कि राज्य बजट के अंतर्गत 2021-22 में। नेक्स्ट है उद्देश्य देखिएगा, माता के साथ नवजात बच्ची का पोषण सुरक्षा प्रदान करना। लक्ष्य है द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर ₹5,000 एक मुश्त प्रदान करना। लाभ देखिएगा, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण तथा देखभाल में सहायता करना और कन्या भ्रूण हत्या में कमी लाना। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि आपने महिला बाल विकास से संबंधित योजना देखा। ठीक है, इन योजनाओं को आप चाहें तो एक टेबल वाइज या कैटेगराइज वाइज आप इसे लिख कर प्रॉपरली याद कर सकते हैं, जिसमें आप 3 चीज़ों का मुख्य ध्यान रखें। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स को अलग से याद कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में चल रहे केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं के अंतर्गत श्रम विभाग की योजनाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट डे चलिए मिलते हैं श्रम विभाग योजनाओं के साथ। धन्यवाद।